Hello friends, welcome to my channel It's Baby Life. Today I'm going to discuss active and passive voice of all indefinite tenses. तो पहले आता है हमारा present indefinite means present simple. इसको हम कैसे लिखते हैं? I play Ludo means subject plus verb की first form plus object. Passive voice में क्या होगा? जो इस active voice का object है वो इसका passive voice का subject बन जाएगा means Ludo is played by me. तो is plus verb की third form. By me मतलब जिसके द्वारा वो किया गया है. Ludo is played by me. Ludo मेरे द्वारा खेला जाता है. Okay? तो ऐसे हम इसको इसका passive voice बनाएंगे. अब हम इसके कुछ और examples देखते हैं. बात ध्यान रखनी है आपको इसका active voice में object होना ही चाहिए ताकि वो passive voice का subject बन सके. नहीं तो उसका passive voice नहीं बनेगा. मैं एक टमाटर खाता हूँ means I plant a tomato plant. A tomato's plant is planted by me. Is plus verb की third form और tomato plant क्या बन गया? Subject बन गया passive voice का. ओके okay? अब होगा teacher scolds him every day. तो he क्या हो गया? Object subject हो गया passive voice का. He is scolded every day by teacher या फिर by parents. तो is plus verb की third form. Everybody drinks water. ये इसका active voice है. इसका passive voice होगा. Water is drunk by everybody. Drink की third form होती drunk. Is plus verb की third form by everybody. Water बन गया subject. Object था active voice का. Riya doesn't cook the food. The food हो जाएगा यहाँ पे passive voice का subject. The food is not cooked by Riya. तो does की जगह is आ गया. The food is not cooked by Riya. Cook की third form होती cooked. तो ऐसे आप उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे. डज समवन टेक्स द डॉग फॉर अ वॉक. ये हमने क्वेश्चन में हम इसका कैसे बनाएंगे. इज द डॉग टेकन फॉर अ वॉक. इज डज की जगह आ गया. द डॉग पहले आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था उसका. टेकन टेक्स की टेक की थर्ड फॉर्म है. डज ही ईट फिश. क्या वो फिश खाता है? इज द फिश. फिश ऑब्जेक्ट था इसलिए सब्जेक्ट बन गई. इज द फिश ईट की थर्ड फॉर्म ईटन. इज द फिश ईटन बाय हिम. तो ही इसका सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का. इज द फिश ईटन बाय हिम. व्हाई द फार्मर्स ग्रो ग्रेप्स मींस किसान अंगूर क्यों उगाते हैं. इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हाई आर द ग्रेप्स. क्योंकि ग्रेप्स इसका ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट बन गया. व्हाई आर द ग्रेप्स ग्रोन. ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन बाय फार्मर्स. तो ऐसे आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे. Why are the grapes grown by farmers? Next sentence we have. अब हम आते हैं past simple के passive voice पे. Passive voice कैसे बनाते हैं? Active voice क्या होता है इसका? I ate pizza means subject plus verb की second form plus object. तो जो object होगा वो passive voice में subject बन जाएगा. Pizza was या verb की third form plus subject. Pizza was eaten by me. तो pizza जो object था वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया और आई का मी बन गया. रीता ने एक पत्र लिखा. रीता रोट अ लेटर. रोट राइट की सेकंड फॉर्म होती है. अ लेटर वाज रिटन बाय रीता. तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का और रीता इसका ऑब्जेक्ट बन गया. तो ध्यान रखना है पास्ट सिंपल में वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसने टेबल पर चाबियाँ रखी. शी कैप्ट द कीज ऑन द टेबल. उस सब्जेक्ट बन जाएगा कीज. कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट ऑन द टेबल बाय हर. शी था इसलिए बाय हर. ओके वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. वॉज या वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस होता है. ओके एक्टिव वॉइस. डिड शी टेक द बुक टू द क्लासरूम. क्या वह बुक क्लासरूम में ले गई. तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा. डिड की जगह वॉज आ जाएगा और द बुक जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा. वॉज द बुक टेक की थर्ड फॉर्म टेकन. टू द क्लासरूम बाय हर. वॉज द बुक टेकन टू द क्लासरूम बाय हर. तो आप ऐसे बनाएंगे. टीचर ने बच्चों को घर पर क्यों पढ़ाया. वाई डिड द टीचर टीच स्टूडेंट्स एट होम. तो इसका पैसिव बनेगा वाई वर द स्टूडेंट्स. क्योंकि द स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑब्जेक्ट थे तो सब्जेक्ट बन गए. वाई वर द स्टूडेंट्स टॉट एट होम बाय द टीचर. टीच की थर्ड फॉर्म होती टॉट. At home by her. Why were the student taught at home by her? They didn't play football. उन्होंने football नहीं खेला. तो इसका बनेगा football object था तो subject बन गया. Football wasn't played by them. Played की third form है by them. Football wasn't played by them.
ओके, तो फुटबॉल उनके द्वारा नहीं खेला गया। और बाय के बाद वाला ऑप्शनल भी होता है, न्यूज़पेपर में बहुत कम यूज़ होता है। अब फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? आई विल ड्रिंक जूस ही एक्टिव वॉइस होता है, आप उन्हें नॉर्मल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। अब पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाते हैं? जूस ऑब्जेक्ट था सो सब्जेक्ट बन गया, जूस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, जूस विल बी ड्रंक बाय मी, आए था तो मी हो गया, जूस विल बी ड्रंक बाय मी। ओके, तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर सिंपल के लिए, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन वी हैव, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जूस ऑब्जेक्ट है तभी वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन पाया। वह एक गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी संग बाय हर, अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर, तो संग सिंग की थर्ड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, वो टैक्स भरेंगे, दे विल पे द टैक्स, द टैक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो द टैक्स सब्जेक्ट बन गया, द टैक्स विल बी पेड बाय देम, द टैक्स विल बी प्लस पे की थर्ड फॉर्म पेड बाय देम, दे था इसलिए देम हो गया, टैक्स उनके द्वारा भरा जाएगा। ये बाय देम ऑप्शनल होता है, कहीं पे इंक्लूड होता है कहीं पे नहीं होता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता दिखाना तब हम दिखाते हैं बाय देम। मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, आई विल नॉट टेक द एग्ज़ाम, तो द एग्ज़ाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, द एग्ज़ाम विल नॉट बी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी, द एग्ज़ाम विल नॉट बी टेकन बाय मी। ओके, तो आपको ऐसे बना, एग्ज़ाम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। पैसिव वॉइस में प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं? आई का बन जाता है बाय मी, वी का बन जाता है बाय अस, यू का हो जाता है यू ही रहता है, ही का हिम बन जाता है, शी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, और दे का देम बन जाता है, मीन्स बाय देम। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। क्या मजदूर घर बनाएंगे? विल वर्कर्स मेक हाउस, विल वर्कर्स मेक हाउस, तो हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन जाएगा, विल द हाउस बी बिल्ट, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बाय वर्कर्स, विल द हाउस बी बिल्ट बाय वर्कर्स, क्वेश्चन सेंटेंस था इसलिए हमने ऐसे बनाया है। ओके, अब इसकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं। आप इन तीनों को कन्वर्ट करके कमेंट्स में लिखिए, पॉज कीजिए वीडियो को। तो फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल था तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड था पास्ट सिंपल वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसकी थर्ड वाला विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका बन जाएगा अ मूवी इज वॉश्ड बाय हिम, और पास्ट सिंपल का हो जाएगा अ मूवी वॉज वॉश्ड बाय हिम, और थर्ड हो जाएगा अ मूवी विल बी वॉश्ड बाय हिम। तो आपको रूल्स याद दिला देती हूँ, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल के लिए, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल के लिए, और फ्यूचर सिंपल के लिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट से मैंशन कीजिए। थैंक यू, और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ वो भी बताइए। थैंक यू।